हेलो एंड वेलकम टू गावरान किचन। मैं हूं भैरव सिंह, फिर आ गया हूं मैं आपके साथ एक और रेसिपी लेके। तो आज भाई मैं बनाऊंगा अमरूद के पकोड़े, वो भी आपके लिए। चलिए किचन में बनाते हैं। चलिए भाई हम पहुंच गए हमारे गावरान किचन में, अब हम बनाते हैं अमरूद के पकोड़े। और ये याद रखिए कि पूरा पका हुआ ना हो, एकदम हल्का सा कच्चा और हल्का पका हो, इस तरीके से। ओह हो, ये देखिए, वाह। ऐसे अब इसको फिर से बस। तो ये चार कट गए, लेकिन ये बहुत बड़े हैं तो हम इसके चार के आठ कर देंगे इस तरीके से। अब इसके अंदर जो है हमने चिली फ्लेक्स, थोड़ा सा जो ड्राई चिली होती है, सूखी हुई जो लाल मिर्च है उसको बारीक बारीक काटा हुआ, थोड़ा सा वो, और थोड़ा सा नमक मिला लीजिए। बस, और इसको थोड़ी देर के लिए रख देते हैं, तब तक इसका बैटर बनाते हैं हम फ्राई करने के लिए। तो चलिए अभी बैटर बनाते हैं हम फटाफट, तक ये मैरिनेट होते हैं। सो बैटर बनाने के लिए क्या करना है हमें, सबसे पहले जवार का आटा थोड़ा सा। अब भाई अमरूद के पकोड़े हैं तो थोड़ा तो डिफरेंट होने चाहिए ना, और वो भी राजस्थान की रेसिपी है। ये मेरी याद है रणतंबोर की। थोड़ा सा राइस का आटा, हल्का सा नमक, सारी चीज़ें सफ़ेद सफ़ेद है तो ध्यान रखें दिख नहीं रही है। और उसके बाद थोड़ी सी कलौंजी, जो अनियन सीड्स होती है वो वाली, बस। और इसके बाद हल्का सा खाने वाला जो सोडा होता है वो, और इसको मिला दीजिए अच्छे से। तो ये देखिए, ये मिल जाए तो इसमें धीरे धीरे से थोड़ा पानी इस तरीके से, और इसको बैटर बनाना है हमें। वाह वाह वाह, पहले एक बार अच्छे से मिला लें ताकि इसमें गुठलियाँ ना हो, और जब ये अच्छे से मिल जाए तो थोड़ा थोड़ा जो पानी है वो आप इस तरीके से मिलाते हैं। वाह भाई, परफेक्ट हो गया ये देखिए एकदम। तो जवार का आटा, कलौंजी और चावल का आटा, नमक और सोडा, ये सब आप अपने हिसाब से डालिए और बैटर बनाइए, और फिर इसको रख देते हैं थोड़ा देर के लिए रेस्ट के लिए। तो ये देखिए, ये मिल गए अच्छे तरीके से। अब इसको क्या कीजिए, जो साते स्टिक होती है, हमारे पास तो गांव में साते स्टिक है नहीं, तो हमने अपनी साते स्टिक बनाई है, तो आप इस तरीके से इसको साते स्टिक में लगा दीजिए, ठीक है। तो ये पकौड़े खाने में भी ईजी होंगे और फ्राई करने में भी ईजी। बस इस तरीके से जितने पीस आपको बनाने हैं, जैसे हमारे राजस्थान में एक नाम जो है बड़ा फेमस है वो है तीखा पेरू, तो इसी को जब मिर्ची के साथ खाते हैं लोग तो इसको कहते हैं तीखा पेरू। तो ये हो गया तैयार, अब इसको बैटर को जो है हम यहाँ रख देते हैं और इसको साइड में। तो चलिए फ्राई करते हैं, अभी तेल हमारा गर्म है। अब इसको करना क्या, आपने इस तरीके से लेना है एक पीस और बैटर में पूरा लोटपोट कर देना है इसको इस तरीके से। जब ये लोटपोट हो जाए तो जो पोहा है, आप पोहे को इस तरीके से पोहे इस पे लगा दीजिए, ये देखिए ये लग गया। अब इसको फ्राई, ये देखिए, वाह वाह वाह, ये भाई हो गए हमारे अमरूद के पकोड़े। देखिए और फ्राई हो रहे हैं तब। ओह हो, ये देखिए, और इसका सबसे अच्छी चीज़ ये है कि इसको जारे की ज़रूरत नहीं है। वाह, ये हो गया भाई हमारे पकोड़े। तो आप ऐसे
कोई भी बास्केट लीजिए और उसके अंदर इस तरीके से, वाह वाह वाह। तो भाई ये हो गए हमारे अमरूद के पकोड़े रेडी। ये था अमरूद और ये उसके पकोड़े। तो आप कीजिए एंजॉय इसको। मैं मिलता हूँ आपसे दूसरी कोई और रेसिपी के साथ। तब तक के लिए हैप्पी मानसून।